हेलो फ्रेंड्स, गूंज हियर. गाइस, आज की जो मेरी पोएम है वो सारे ही दारू पीने वालों के लिए है. तो जो लोग दारू पीते हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे. तो मैं शुरू करती हूँ. मेरी नींदें उड़ाकर वो चैन की नींद सोता है. मेरी नींदें उड़ाकर वो चैन की नींद सोता है और डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. शुक्रिया. मेरी नींदें उड़ाकर वो चैन की नींद सोता है और डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. मैं ये नहीं कहती कि पीना ही छोड़ दे. मैं ये नहीं कहती कि पीना ही छोड़ दे, पर यार ये रोज़ रोज़ पीना भी कहाँ अच्छा होता है. डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. शुक्रिया. कहता है बहुत गम है मेरी ज़िंदगी में इसलिए पीता हूँ. कहता है बहुत गम है मेरी ज़िंदगी में इसलिए पीता हूँ. अरे भाई, तो तुझे क्या लगता है औरतों की ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता है? और डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. शुक्रिया. कहता है मैं पीता नहीं वैसे, पर दोस्त पिला देते हैं. हर किसी का ये डायलॉग होता है, पीने वालों का खास तौर पे. कहता है मैं पीता नहीं हूँ वैसे, पर मेरे दोस्त पिला देते हैं. अरे ये दारू के चक्कर में दोस्तों को बदनाम करना भी अच्छा नहीं होता है. और डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. झूठ तो वैसे बड़ी शिद्दत से बोल लेता है वो. झूठ तो वैसे बड़ी शिद्दत से बोल लेता है वो, पर नशे में डगमगाई हुई ज़बान को ये कहाँ पता होता है. डेली रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. शुक्रिया. यकीन नहीं आता तो घर जाके देख लेना उसके. यकीन नहीं होता तो घर जाके देख लेना उसके. उसका कमरा भी रोज़ उसके इंतज़ार में अकेला ही सोता है. और रोज़ रात को 10 बजे बाद वो दारू के अड्डे पर होता है. शुक्रिया. तो गाइज, ये थी मेरी एक छोटी सी पोयम सारे दारू पीने वालों के लिए. तो अगर आप जाते भी हैं 10 बजे बाद, तो टाइम से घर आ जाइए, क्योंकि घर पे कोई होता है जो आपका इंतज़ार करता है. तो पहली बात तो दारू पीना बंद कर दीजिए. थैंक यू सो मच. देखते रहिए जी टॉक्स. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स आल्सो. एंड गूंज वेव्स भी आ चुका है मार्केट में, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए. एंड उस चैनल पे भी पोएम देखिए. थैंक यू.